हेलो एवरीवन, आज बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा के लिए। न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा को लेकर भी हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज रही हैं, इसीलिए आज प्रॉपर वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट समझ सकें किन किन प्रोफाइल्स के लिए न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा बेस्ट रहने वाला है, कौन कौन सी अच्छी ऑप्शन आपको मिलने वाली है और आखिर क्यों न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, आगे चलकर आपको कौन कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इसके साथ मिलने वाली हैं, इस पर पूरी जानकारी रहेगी ताकि आप न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा के बारे में ओवरऑल कई चीज़ें जान सके और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी तसल्ली ज़रूर हो सके कि हमें न्यूजीलैंड जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए अप्लाई करना चाहिए। तो ये आज की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे स्टडीज़ केयर एजुकेशन से एक्सपर्ट काउंसलर अदिति शर्मा हमारे साथ हैं। हेलो अदिति। हाय मैम। तो अदिति ज़रूर आज बताइए, हम न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा की बात कर रहे हैं तो पहले तो इसके कमिंग इनटेक के बारे में भी ज़रूर बताइए और कौन से स्टूडेंट को और क्यों अप्लाई करना चाहिए न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा के लिए। यस मैम। सो मेजरली अगर हम बात करें, आजकल ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ रहा है, ठीक है, तो मेजरली अगर मैं बात करूँ 50% वीज़ाज़ भी आ रहे हैं, 50% रिफ्यूज़ल्स भी आ रहे हैं एंड जो रिफ्यूज़ल होल्डर्स हैं तो आई थिंक उनके पास एक न्यूजीलैंड ऑप्शन है अभी, तो जिसमें कि आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं, ठीक है, तो दोनों सिस्टर कंसर्न कंट्रीज़ हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाते लाइक फॉर एक्स वाई जी रीज़न, बिकॉज आजकल क्राइटेरिया भी काफ़ी चेंज हुआ है, तो नो डाउट न्यूजीलैंड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। तो अगर न्यूजीलैंड जाते हो तो न्यूजीलैंड से यू कैन ईजिली मूव टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ आजकल जो फेस कर रहे थे स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड के चैलेंजेस, तो वो मेजरली था प्रोसेसिंग टाइम। तो मेजरली अगर हम बात करें वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 3 months 4 months, ठीक है, एंड कई बार 4 months होके भी बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा था, जिसके कारण बच्चों को अपना इनटेक डेफर करवाना पड़ रहा था एंड दे आर फेसिंग मेनी चैलेंजेस। तो अभी जो नया अपडेट है न्यूजीलैंड का, उसमें ये है कि न्यूजीलैंड ने नया स्टाफ हायर किया है एंड अब उनके पास अप्रोप्रिएट स्टाफ है विद प्रॉपर गाइडलाइंस, सो दैट वो प्रॉपर उस चीज़ को देख के एंड बहुत कम प्रोसेसिंग टाइम में दे आर ग्रांटिंग वीज़ाज। और आप अगर लगा सकते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 or 1.5 months तक आपको आपके हाथ में वीज़ा रहता है, ठीक है, यह जो भी आउटकम है आपका न्यूजीलैंड का। तो आई थिंक ये वाला जो चैलेंज है लॉन्ग वेट वाला पीरियड, तो आई थिंक ये अब ख़त्म होने वाला है न्यूजीलैंड के लिए, दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द इनटेक्स, सो न्यूजीलैंड हैव 3 intakes, ठीक है, तो यू कैन से जनवरी, ठीक है, मई एंड सितंबर अक्टूबर, ठीक है, तो अभी जो इनटेक चल रहा है दैट इज अक्टूबर इनटेक जो कि अपकमिंग है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो मैं अदिति यहाँ पर ज़रूर जानना चाहूँगी, जैसे हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से अगर कोई रिफ्यूज़ल हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया रीअप्लाई नहीं किया जा सकता, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि वो स्टूडेंट न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आगे चलकर उनके लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए भी रास्ते खुल सकते हैं? येस श्योर। जैसे मैंने आपको बताया दे बोथ कम अंडर एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया पैसिफिक कॉन्टिनेंट, तो अगर बाई चांस ऑस्ट्रेलिया नहीं हो पाता तो न्यूजीलैंड इज़ अ ऑप्शन जो हमेशा से रहता है बच्चे के पास। एंड न्यूजीलैंड का मेजरली ये है कि इनका जो स्टडी सिस्टम है एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया से मैं कंपेयर करूँ अगर, तो 6 not less than 6 से स्टार्ट होती है आइल्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, बट हम फिर भी बोलते हैं कि बच्चे के अगर 6.5 no band less than 6 है तब जाके आप अप्लाई करो फॉर द मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वीज़ा, ठीक है। बट अगर मैं न्यूजीलैंड में बात करूँ 6 with 6 या 6 with 5.5 के साथ यू गॉट अ वेरी प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन न्यूजीलैंड, ठीक है। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ, मेजरली एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी फॉर द न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा, पहले न्यूजीलैंड के लिए 6 months old funds न्यूजीलैंड एम्बेसी एक्सेप्ट करती थी, बट नाउ दे हैव चेंज द रूल एंड नाउ दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल एंड रिलैक्स टू 3 months। अब उनको चाहिए 3 months का प्रॉपर जो भी आपका फंड है वो 3 months old होना चाहिए, ठीक है, एंड लाइक मेजरली ये मैं बताना चाहती थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पहले जो 6 महीने पुराने फंड्स दिखाने होते थे वहीं पर आकर स्टूडेंट के लिए थोड़ी मुश्किल पड़ जाती थी, लेकिन अब जैसे कि अदिति ने बताया कि अभी उन्होंने अपने रूल्स चेंज कर दिए हैं, 3 महीने पुराने फंड्स दिखाकर भी आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो एंड में ज़रूर अदिति बता दीजिएगा ये भी कि कितना प्रोसेसिंग टाइम मानकर चलें और स्टूडेंट को अब कब अप्लाई करना चाहिए कमिंग इनटेक के लिए।
सो अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन अप्लाई करने की, सो आई थिंक फॉर द नवंबर इनटेक, जुलाई एंड अगस्त आर द बेस्ट पीरियड टू अप्लाई, एंड अभी आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं. द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू लाइक डाइवर्सीफाई इज दैट कि अगर न्यूजीलैंड के लिए आपने वीज़ा अप्लाई किया, आप हमेशा 2 महीने का बफर पीरियड रखिए. क्योंकि 2 महीने आई नो प्रोसेसिंग टाइम कम हो गया है, बट फॉर द सेफर साइड आप हमेशा 2 महीने पहले अपनी फाइल लॉन्च करो, सो दैट आप भी सेफ रहें एंड जो एम्बेसी है उन पर भी ज़्यादा प्रेशर ना पड़े. ठीक है. एंड अगर मैं बात करूँ, देर आर मेनी यूनिवर्सिटीज़, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका नवंबर इनटेक है. एंड मैं थोड़ा सा फंड्स के बारे में बात करना चाहूँगी जो कि न्यूजीलैंड में लाइक कंसर्न होता है बच्चे के लिए कि कैसे फंड्स चाहिए. मेजरली न्यूजीलैंड कहता है कि मेजरली बैचलर्स एंड मास्टर्स, जो अभी रूल्स आए हैं नए जिसमें कि बैचलर्स और मास्टर्स में ही 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, बट अगर बच्चा लेवल 7 को कहते हैं बैचलर्स डिग्री एंड लेवल 9 को कहते हैं मास्टर्स डिग्री, अगर बच्चा लेवल 5 या 6 के प्रोग्राम के लिए जा रहा है, यू कैन से डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए जा रहा है, तो बच्चा अगर ग्रीन लिस्ट के कोर्स के अंदर जा रहा है तब बच्चे को पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है 1 साल का, अदरवाइज नहीं मिलता. अदरवाइज स्टूडेंट हैज़ टू गो फॉर लेवल 7 ओनली, बैचलर्स के लिए जाए या फिर मास्टर्स के लिए जाए. ठीक है, तभी उसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल सकता है. बट अगर नहीं जा रहा, थोड़ा सा फंड्स का इशू है, तो दे शुड गो फॉर ओनली ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम. जैसे मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया में स्किल शॉर्टेज लिस्ट रहता है, वैसे ही न्यूजीलैंड में ग्रीन लिस्ट रहता है, जो कि बहुत शॉर्टेज है जिन एम्प्लॉयज की न्यूजीलैंड में, वो सारा मेंशन है ग्रीन लिस्ट में प्रोग्राम्स लाइक. जी 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 बिल्कुल. तो और डिटेल में अगर स्टूडेंट जानना चाहते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो नंबर डिस्प्ले है आप इस पर कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए. लेकिन उससे भी अच्छा रहेगा कि आप स्टडी स्केयर एजुकेशन के चंडीगढ़ ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं. पंजाब में जलंधर और लुधियाना में भी इनके ऑफिस हैं, तो आप पूरी जानकारी लीजिए न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा के लिए कैसे किन किन अच्छी ऑप्शन के साथ, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को सिलेक्ट कीजिए ताकि अच्छे ढंग से पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकें. और फिर से बात कहें कि अब 6 महीने पुराने फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं है, 3 महीने पुराने फंड्स ही जो है न्यूजीलैंड देख रहा है. तो इन चेंजेस के साथ और कैसे आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज का फायदा ले सकते हैं, इसके लिए पूरी जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए ताकि सही समय पर सही डिसीजन के साथ आप अप्लाई करें और अपना वीजा हासिल कर सकें. बहुत बहुत थैंक्स अदिति ये पूरी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए. स्टूडेंट्स अपने सवाल कमेंट्स के जरिए भी हमारे साथ शेयर जरूर कर सकते हैं ताकि उन टॉपिक्स पर भी हम आगे और वीडियोस बनाकर स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकें. फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत. थैंक यू सो मच.